प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हिस्सा लेने दक्षण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पुजे आख्या जे इस शिखर सम्मेलन भविष्य के साथ सहयोग वाले क्षेत्रों की पछाण करने का देग मौका। चंद्रयान तीन की लैंडिंग लैंडर मॉड्यूल की स्थिति तो चंद्रमा के हालात उपर निर्भर है आख्या मिशन निदेशक नीलेष एम देसाई होरें। चंद्रयान की चंद्रमा उपर उतरने की लिए दुनिया च मता उत्साह आख्या इसरो के साबका साइंसदान होरें। उपराज्यपाल होरें श्रीनगर च अंतरराष्ट्रीय खरीदो फरोख्त बारे बैठक का किया उद्घाटन आख्या जे यूटी प्रशासन कारोबार के बढ़ावा देने साजगार वातावरण उपलब्ध कराने प्रतिबद्ध। तो पुंछ च घुसपैठ की कोशिश नाकाम दो आतंकवादी मारे गए हथियार से असला बरामद। नमस्कार, डोगरी खबरें सुनदा स्वागत है। यही मुख मुख खबरां ते उन खबरां विस्तार करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अज उन्हें शां किस चिरें पहले दक्षण अफ्रीका पुजे गए। दक्षण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग च मोदी और 15 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन च हिस्सा लेंगन। प्रधानमंत्री और दक्षण अफ्रीका ते ग्रीस की अपनी 4 दिनों की यात्रा पर अज बढ़ले रवाना हुए। विदा होने से पहले अपने बयान च मोदी और आख्या ज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स मुल्कें की भविष्य च साथ सहयोग वास्ते नवे खेत्रों की पहचान करने ते संस्थागत विकास की समीक्षा का मौका देग। उन्हें आख्या कि दक्षण अफ्रीका थमां ओ एथेंस लई ग्रीस के प्रधानमंत्री हुंदे साथे पर जांगन। प्रधानमंत्री होरें आख्या ज 40 बरे मगरा ग्रीस का दौरा करने आले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने पर वो गर्व महसूस करा करदे न। भारत का चंद्रयान जियां जियां चंद्रमा उपर उतरने वाली बखी अगड़ा बदा करता है तो आलमी सतह पर रोमांच से उत्साह और मता बदा जा करता है। इसरो के सबका वैज्ञानिक यूएई की एडूटेक फॉर स्पेस दिया सीईओ सुधा विश्वनाथन होरें आख्या जे मिशन चंद्रयान 3 ना छड़ा इसरो सगुआ सारी दुनिया लई मता महत्वपूर्ण संगे मील है कि जे यह पहला अंतरिक्ष यान होग जड़ा कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव उपर उतरोग ते उत्थों दा महत्वपूर्ण जानकारी भेजोग। तुआई के इसरो दे स्पेस एप्लीकेशन केंद्र दे निदेशक नीलेष एम देसाई होरें आख्या जे चंद्रमा 3 की कल तुआरने दा फैसला लैंडर मॉड्यूल दी स्थिति ते चंद्रमा दे हालात के दिखदे होए लैता जाग। उन्हें दस्या की कक्षा में घूमेगा और वहां से उसमें एक पेलोड है वो पृथ्वी की ओर देखेगा और उसके जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है पोलारोमेट्रिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करके जो लिविंग प्लेनेट कैसा होता है उसकी जानकारी हमको चंद्र के ऊपर से देता रहेगा। 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग दो घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतरण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। बट अगर कोई हमको ऐसा कुछ ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। सड़क परिवहन ते जरनैली सड़कें संबंधी महकमे के मंत्री नितिन गडकरी होरें सड़क हादसे च लोकें दी कीमती जाने की बचाने के महत्व पर जोर भरे। अज नवी दिल्ली च भारत नवी कारें दे असैसमेंट कार्यक्रम की शुरू कराते हुए मंत्री होरें आख्या जे गड्डियें ते सड़कें दे निर्माण च इंजीनियरिंग दियां जिहड़ियां गलतियां उसे घट करने लई बड़ा जरूरी है जे सारे संबंधित पक्षों विचकार आपसी राबता ते सहयोग उच्ची सतह पर बनेदा रहे। अपने इस भाषण दौरान मंत्री होरें वाहन उद्योग की 15 लाख करोड़ रुपए का उद्योग बनाने के सरकार के मकसद की भी उजागर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें आख्या जे हथकरघा ते हथशिल्प च मती आर्थिक समर्थ मौजूद है ते इस क्षेत्र च स्थानीय ते अंतरराष्ट्रीय काम करने वाले किते मौके पैदा करने लई पूरा ध्यान दिया करदी है। कश्मीर विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय खरीदो फरोख्त करने वाले सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें आख्या जे हथकरघा ते हथशिल्प शोबे पूंजी का मुख स्रोत न। उन्हें आख्या जे अंतरराष्ट्रीय सतह पर काम करने वाले किते हथकरघा ते हथशिल्प ते इत्थे बड़े मौके उपलब्ध न। उन्हें आख्या जे पिछले 3 बरे थमां जम्मू कश्मीर उद्योग ते कपड़े दे क्षेत्र च संसार झगड़ा बता करता है। उन्हें आख्या जे सरकार इन शोबे के बख बख शिल्पें की दुनिया के बाजारा च दोबारा खड़ा करने की कोशिश करा करती है। सिन्हा होरें आख्या जे जम्मू कश्मीर नवे युग का सवेरा दिखा करता है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें जम्मू कश्मीर एक जिला एक उत्पाद लोगो प्रतियोगिता की भी शुरुआत की जम्मू कश्मीर के शिल्पकारें ते बुनकरे पासियां लायके के स्टॉलें का मुआयना भी किया। ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर रिलीजन्स नोन टू ह्यूमन काइंड
विच हैज इनरिच्ड एंड डाइवर्सिफाइड आवर आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आखिया जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे मार्गदर्शन च जम्मू कश्मीर च लोकें की ध्यान च रखदे हुए सेहत सहूलतें आला सरिस्ता तैयार किया जा करदा है, जिहड़ा कि मता समावेशी ते दूर दराज इलाकें च भी सबने लई सस्ता ते सौखा पहुंच आला होए। कल श्रीनगर च मेडिसिटी च अरिशा रॉयल अस्पताल ते मेडिकल कॉलेज का नींह पत्थर रखदे हुए उन्हें आखिया जे 5,58,00,00,00 रुपए की लागत कन्ने 500 बिस्तरें आले इस सेहत इदारे दे बने जाने कन्ने छड़ा लोकें की सेहत सहूलतें च हासिल नहीं होंगन सगुआ एदे कन्ने रोजगार दे और मते मौके भी पैदा होंगन। उन्हें आखिया जे एदे कन्ने एमबीबीएस दी 100 सीटें च भी वाधा होगा। उन्हें आखिया जे इस मेडिसिटी प्रोजेक्ट कन्ने ना छड़ा निवेश दा वड्डा मौका पैदा होगा सगुआ एदे कन्ने सबने की सस्ती ते म्यारी सेहत सहूलतां मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराने दे कन्नो कन्नी जम्मू कश्मीर सेहत सुविधाएं दे नवाचार दे मामले च भी अगली पंक्ति च आई जाग। जम्मू कश्मीर के तीव्र समावेशी और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पिछले 4 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए और अब उनके परिणाम जमीन पर नजर आने लगे। संसार च सार्स कोव 2 वायरस के नवे वेरियंट के मिलने की सूचना के देखते हुए प्रधानमंत्री हुंदे प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा होरें कल संसार के देशों च कोविड 19 के हालात का जायजा लेने लई एक मीटिंग की प्रधानता की। सेहत सचिव होरें कोविड के हालात जिंदे च सार्स कोविड 2 वायरस के नवे वेरियंट भी शामिल इस बारे जानकारी दी। मीटिंग च इस गल पर लो पाई गई जो पिछले हफ्ते भारत च 230 मामलों की सूचना मिली है। डॉक्टर पीके मिश्रा होरें जोर पाया कि रियासतें च इन्फ्लुएंजा आले लक्षणें दे साह लैने च बड़ी मती इन्फेक्शन आले मामले पर ध्यान देने की जरूरत है ते कन्ने के नवे वेरियंट उपर नेड़मी नजर बनाए रखनी भी लोड़दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू ने 33वां विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने के कल शाम एक कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और इस मौके पर खतरनाक बीमारी कैंसर बारे जानकारी दी जी कि वरिष्ठ नागरिकों च मौत का एक बड़ा कारण है। उन्होंने दसिया कि कैंसर के मतेरे मामले 60 से 80 बरे के बिकार आते हैं। पूर्व डीजीपी अशोक मान और इस मौके पर मानजोग परौने हैं। उन्हें बड़े विस्तार कन्ने बुजुर्ग लोगों के समाजिक इकलेपन जड़ा कि दिमागी शारीरिक बीमारियों उनकी मौत कारण है उपर विचार रखे। रियासती चुनाव कमिश्नर बी आर शर्मा और अपने अध्यक्षीय भाषण च आख्या जे बुढ़ापा एक पहाड़ चढ़ने का लेख है जेडे च साह लेना मुश्किल हुंदा है पर खीरा च अच्छा महसूस हुंदा है। संगठन के जनरल सैकटरी के बी जंडियाल होरें आख्या जे इस दिन पर सेहत बारे गल की जानी लोड़ थी ता जे लोगों च इस बीमारी बारे जागरूकता पैदा हो सके। कैंसर एक नई बीमारी है जी कि बुजुर्गों च ज्यादा पाई जाती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के उत्तरी खेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी होरें मीडिया कन्ने जुड़े दे लोकें लई अज मुफ्त सेहत जांच कैंप का उद्घाटन किया। इस सरिस्ता प्रयास हेल्थ श्रीनगर आसिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्रालय कन्ने रलिए श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव च किया। श्रीनगर च अपनी किस्म का यह पहला मुफ्त सेहत जांच कैंप है जिथे मीडिया आलें की उच्चे मियार की सेहत सेवा उपलब्ध कराई गईं। बख-बख मीडिया संगठनों कन्ने जुड़े दे 150 पत्रकारें की सेहत जांच माहिर डॉक्टरों आसिया की गई। इस कैंप च ईसीजी बीएमआई वगैरह टेस्ट की सुविधा भी मुफ्त उपलब्ध कराई गई। इस कैंप का उद्घाटन करते हुए राजेंद्र चौधरी और उम्मीद बुझी कि नरोई सेहत के महत्व का सुनेहा मीडिया आले आम लोगों तोड़ी भी अगड़ा पजागन। उपभोक्ता मामले खाने पीने ते सार्वजनिक बंड आले महकमे दे मंत्री पीयूष गोयल होरें आख्या है जे सरकार गंडे दी रड़कड़ने आले करसाने दे हितें दी राखी करने लई हर मुमकिन गैप पुट्टा करती है। उन्हें आख्या जे गंडे दी बदाकर दी कीमत की काबूज करने लई भी जतन किते जा करदे न तां जे उपभोक्ताएं दे हितें दी भी राखी की जा सके। अज नवीं दिल्ली च गोयल होरें आख्या जे अजे तोड़ी 2 लाख मीट्रिक टन गंडे की खरीद की जा चुकी है ते 2 लाख मीट्रिक टन गंडे की वाधू खरीद का काम अगे के शुरू कर दिता गया है। मंत्री होरें दस्या जे एनसीसीएफ दी परचून दुकानें ते गश्ती वैन राएं परचून उपभोक्ताएं की 5 रुपए किलो के हिसाबे रियायती मुल्ले पर गंडे बेचे जा करदे न। खजाना मंत्रालय ने अज आख्या जे खाने पीने वाली चीजें च महंगाई का दौर एक बदलाव वाला समय है कि जे सरकार आसिया गेतरी पुट्टी गई गैं ते नवी फसलें दे आने कन्ने कीमतें च कमी आई जाग। उआं उन्हें आख्या जे आलमी सतह पर जको तकी वाली स्थिति ते घरेलू मोर्चे पर किश अड़चने कारण आने वाले महीने च महंगाई किश परेशानी करी सकती है। जुलाई महीने की माहवार आर्थिक समीक्षा च मंत्रालय ने आख्या जे जिले अगे के आने वाले समय च घरेलू खपत ते निवेश की मंग च वाधा होने ते तरक्की च इंदा अहम योगदान होने की उम्मीद है। उत्थे के सरकार दा पूंजी खर्च निजी निवेश च वाधे वाली पक्षी अगड़ा बधी सकदा है।
सेना के चौकस जवान ने बालाकोट सैक्टर च कब्जा रेखा वाली रेखा कोल घुसपैठ की कोशिश के नाकाम कर दी उदय आतंकवादियों की मारी मकाया है। रक्षा महकमे के प्रवक्ता मुजब सेना के चौकस जवान ने कब्जा रेखा कोल दो आतंकवादियों की घुसपैठ करते हुए देखा जिले वो इत पखी आवा करते हैं तो उन्हें की चुनौती दी तो गोलीबारी शुरू हुई गई। इस गोलीबारी दो आतंकवादी मारे गए इनके कब्जे थमां AK-47 राइफल दो मैगजीना 3 रोंद दो ग्रेनेड पाकिस्तान च बनी दी दवाइया बरामद की गई। आतंकवाद की कोई सीमा नहीं है इस करी संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इसे खत्म करने वाली मुहिम की समर्थन देना लोड़ता है। गल 26/11 मुंबई आतंकी हमले च बचे करमवीर सिंह कागोर आखी कि संयुक्त राष्ट्र संसार च आतंकवाद के शिकार लोगों की श्रद्धांजलि दया करता है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असैम्बली ने 21 अगस्त का दिहाड़ा आतंकवाद का शिकार हुए थे लोगों की याद से श्रद्धांजलि देने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला लेते हुए इस दिन सारे संसार च आतंकवाद कारण मारे गए लोगों की चेता किया जाता है तो श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन विश्व एकता पर लोप पाई जाती है तो यकीन दवाया जाता है कि उनकी कहानियों के तजुर्बे की संसार भुलता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तहत विस्तृत सेहत सुविधा का विचार दिता है। SMGS अस्पताल के जम्मू का प्रशासन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रोग्राम के अस्पताल च प्रभावी ढंग कन्या लागू करा करता है। इस तहत SMGS अस्पताल च सारे मरीजों का पंजीकरण किया जा करता है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जा करते हैं। नरितोड़ी 30,884 मरीजों का पंजीकरण किया गया है। उनके आभा कार्ड बनाए गए। दूरदर्शन समाचार कन्ने गलबात करते हुए SMGS अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह होरें दस्या भारत हेल्थ अकाउंट एक हेल्थ अकाउंट बनेगा। इंडिया में पूरे लोगों का अपना एक आईडी नंबर होगा जिसमें आपका हर किस्म का रिकॉर्ड मेडिकल का रिकॉर्ड ट्रीटमेंट डायग्नोसिस प्रिस्क्रिप्शन जो भी जब भी आपने कहीं भी ट्रीटमेंट कराया है वो सब उसमें आ जाएगा। आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे साबका स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर KC दुबे उनकी पहली बार खेदा सरिश्ता अज 22 अगस्त की उधमपुर जिले की मजालता तहसील ते उनके जद्दी ग्रां च किया गया। दुबे उनका 4 अगस्त 2022 काल हुई गया। श्री बुड्ढा मनाज की यात्रा ने इस बारे अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिते हैं कि जे यात्रा के पहले चौं दिन के दौरान के 5,322 यात्रियों पुंछ जिले के मंडी पहाड़ी इलाके मौजूद श्री बाबा बुड्ढा मनाज जी के मंदिर च मत्था टेकी लिए। इस यात्रा दौरान श्रद्धालुओं की सख्त सुरक्षा बंदोबस्त च हर चाली सहूलत उपलब्ध कराई जा करदियां। तुआई कि इस यात्रा लई आने वाले श्रद्धालु राजौरी के कुदरती शलैपे का भी आनंद लै करते हैं। कई श्रद्धालु मंगला माता संतोषी माता के मंदिरों की यात्रा करते हुए भी दिखे गए। श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के कृषि विज्ञान केंद्र रियासी आसियां सरकारी माइग्रेंट्स मिडिल स्कूल तलवाड़ा च घा के एक किस्म पार्थीनियम बारे 18वां जागरूकता सप्ताह समाप्त हो गया। इस जागरूकता सप्ताह च मते हारे स्कूली बच्चियों के अध्यापक हिस्सा लेता। इस प्रोग्राम की रियासी जिले के बख-बख ग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम के दौरान बख-बख तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। वरिष्ठ साइंसदान ने कृषि विज्ञान केंद्र रियासी के प्रमुख डॉक्टर बनारसी लाल और दसिया जे पार्थीनियम का प्रबंधन कृषि से गैर कृषि इलाके गिते खतरा बनी गया है। उन्हें आख्या जे खतरनाक जड़ी सारे देश च बड़ी तेजी कन्ने फैला करती है इसे खत्म करने गिते किठे होइए कोशिश करने की जोड़ है। कृषि विज्ञान केंद्र दे साइंसदान ने पार्थेनियम जड़ी की खत्म करने की तकनीक का भी प्रदर्शन किया। रामबन के भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार सिखलाई संस्थान च ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम तहत बख-बख कारोबारी कमे लिए दुआर कर्जे लेने वाले का 6 दिन का सिखलाई कार्यक्रम अज मुकी गया। इस मौके पर उन्हें की सिखलाई दी गई जे वो अपना काम रोजगार कियां चलान ते दुआर कर्जे का इस्तेमाल खरी चाली करी सकन जिदे कन्ने ना छड़ा वो अपना कर्ज तय समय अंदर मुकाई सकन सगों कामयाबी कन्ने कारोबार भी करी सकन। रामबन दे लीड बैंक मैनेजर अब्दुल रशीद सोफी होरे सिखलाई हासिल करने वाले सबने 15 जने की प्रमाण पत्र भी दिते। कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कितना बिजनेस में रिस्क लेना चाहिए, कब मतलब टाइम पे इंस्टॉलमेंट होने चाहिए, कस्टमर से कैसे बात करनी है और सर अपने बिजनेस को मॉनिटर कैसे करनी है, सर सारा कुछ इस प्रोग्राम में हमें सिखाया गया। सेना आसियां राजौरी जिले के केरी सैक्टर च कब्जा रेखा लागे डूगी ग्रां के बसनीक लई मेडिकल जांच कैंप लवाया गया। इस कैंप च महिलाएं सने 110 मकामी लोगों हिस्सा लेता। मुफ्त जांच कैंप लवाने ते मुफ्त दवाइयां देने लई मकामी लोगों फोर्स का आभार प्रकट किया। इस कैंप दौरान लोगों की नरोवा जीवन जीने बारे जागरूक भी किया गया। भी नहीं करवा सकते हैं। आजकल ये जो वायरल फीवर वगैरह हो गया, जो एलर्जी वगैरह, जो आना अनेक प्रकार की मौसमी बीमारियां हैं, उनसे बचने के लिए ये सेना ने हमारी यहाँ शिविर लगाया है। इसके लिए हम सब लोग तहे दिल से सेना का आभार व्यक्त करते हैं। हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ होती है, सबसे बड़ा गहना होता है।
इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी आर्मी ने यहाँ पर इनिशिएटिव लेते हुए डूंगी विलेज में, केरी विलेज में एक हेल्थ का कैंप लगाया है। तो उन मौसम संबंधी जानकारी, मौसम विभाग की सूचना मुजब पिछले 24 घंटे दौरान जम्मू का बदोबद तापमान 35.9 डिग्री सैल्सियस, घट्टोघट तापमान 25.8 डिग्री सैल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डोगरी खबर का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।